Hello everyone, this is Ram Nagar. I hope you have enjoyed my last lecture, which was based on nationalism, what is state and nation state. Today I am going to discuss about the unification of Italy. So let's get started. आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इटली के यूनिफिकेशन की. इटली जो बहुत से पार्ट में डिवाइड था और इन सब पार्ट्स पर अलग अलग किंग्स रूल कर. इटली बिफोर यूनिफिकेशन में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिफिकेशन से पहले इटली की कंडीशन क्या थी और कौन सी पावर इटली के किस पार्ट पर रूल कर रही थी. During the middle of the 19th century, Italy was divided into many states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. आप जो ये मैप में देख पा रहे हैं ऑरेंज पार्ट, ये पार्ट है सार्डिनिया पिडमोंट. इसमें ऊपर वाला पार्ट सार्डिनिया है और जो नीचे वाला पार्ट है वो है पिडमोंट. ये दोनों जो पार्ट है इस पार्ट को मिला के सार्डिनिया पिडमोंट बोला जाता है. और जिस पर इस ऑरेंज पार्ट पर जो इस आर्डिनरी पेडमोंट पे जो पावर रूल कर रही है वो पावर बिलोंग करती है इटली के प्रिंसली हाउस से. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. आप जो मैप पर देख पा रहे हैं पर्पल स्टेट, ये दो लोम्बार्डी एंड वेनेटिया और एक ग्रीन कलर, ये जो पूरा पार्ट है नेस्ट का मिला के वो एम्पायर कहलाता है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. ये इटली का नॉर्दर्न स्टेट है. अब हम बात करते हैं सेंटर की. द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप. आप ये जो मैप में देख पा रहे हैं लाइट पिंक कलर का जो पार्ट है ये पावर यहाँ पर जो रूल कर रही है वो है पोप. तो ये पूरा जो पार्ट है वो पोप के कंट्रोल में है और ये इटली का सेंटर पार्ट है. अब हम आते हैं इटली के सदर्न पार्ट में. द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. यहाँ पर आप जो मैप में देख पा रहे हैं ब्लू कलर द किंग्स ऑफ बोथ सिसिलीज और ये नीचे वाला पार्ट, ये दोनों आइलैंड्स हैं वो जो है इटली का सदर्न पार्ट है और इन दोनों पर जो कंट्रोल कर रही है पावर वो है बर्बन किंग्स. बर्बन किंग्स हम लोगों ने फ्रांस में भी देखा था, ये उन्हीं के रिलेटिव्स हैं. तो इस तरह से इटली का जो बिफोर यूनिफिकेशन से पहले की कंडीशन है वो इस तरह से है. तो इस तरह से इटली मेजर पार्ट्स में डिवाइड था और नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से इटली का यूनिफिकेशन पॉसिबल हुआ. और इस यूनिफिकेशन को करने में जिन पर्सनलिटीज और फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सीबीएसई क्लास 10 हिस्ट्री बुक में जिन पर्सनलिटीज को डिस्क्राइब किया है उनमें है मजीनी, सेकेंड गैरिबाल्डी और थर्ड केवूर. यहाँ पर मैंने इनके शॉर्ट नेम लिखे हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं जसिबी मजीनी की. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. मजीनी वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी बॉर्न इन जनेवा इन 1807. और इसी बात इनका जन्म जनेवा के अंदर हुआ, जो जनेवा है वो इटली का एक शहर है. सेकेंड पॉइंट, ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी. कार्बोनरी जो उस टाइम की एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, मजीनी उसके मेंबर थे और इन्होंने 24 की एज में 1831 के अंदर उन्होंने लाइग्रिया में एक रिवोल्ट किया तो गवर्नमेंट ने इनको देश निकाला दे दिया. फोर्थ पॉइंट, जसिबी मजीनी टू सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं. सीक्रेट सोसाइटीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मोनार्की के अपोज में रिवोल्ट करती हैं, वो भी अंडरग्राउंड रहकर, मतलब वहाँ से कम्प्लीटली मोनार्की को फिनिश करने के लिए जो भी वो सीक्रेटली मिशन स्टार्ट करते हैं मोनार्की के अपोज में. यंग इटली के नाम से जो सीक्रेट सोसाइटी थी ये मार्सिलीज में फॉर्म हुई. और सेकेंड, इसका नाम था यंग यूरोप, वो बर्न के अंदर फॉर्म हुई. अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटर्निक मजीनी के लिए कहते हैं कि जो मजीनी है वो हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है. ड्यूक मेटर्निक ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मजीनी इटली में मोनार्की को कम्प्लीटली रिमूव करके रिपब्लिकन बनाना चाहते थे, यानी कि जहाँ का रूलर पब्लिक के थ्रू चूज किया जाएगा. मजीनी का मानना था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि गॉड ने कंट्रीज को इंसानों के लिए नेचुरल यूनिट बनाया, इन पर किसी भी पर्सन का या पावर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. और मजीनी को सोल ऑफ इटली के नाम से जाना जाता है. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं. जो नेक्स्ट पर्सनलिटीज है वो है काउंट कैमिलो दे केवूर. आप इनको केवूर के नाम से ही याद रखिएगा. काउंट कैमिलो दे केवूर पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे. ये ना तो डेमोक्रेटिक थे और ना ही रिवोल्यूशनरी. इसका मतलब है कि ना तो इन्होंने डेमोक्रेसी कंट्री का सपोर्ट किया कि किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये इसके फेवर में नहीं थे. सेकंड चीज़, इन्होंने कोई भी इटली के यूनिफिकेशन को
कंप्लीट करने में कभी भी कोई रिवॉर्ड नहीं किया, तो इसीलिए ये बोला है कि ना तो ये डेमोक्रेटिक थे और ना ही रिवोल्यूशनरी थे, बट फिर भी इन्होंने इटली को यूनाइट करने का काम किया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि चाहते थे कि जो इटली है इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सब यूनाइट हो जाएं और इन सबका एक ही किंग होना चाहिए, और वो किंग होगा सार्डिनिया का, जो सार्डिनिया पिडमोंट का जो किंग है, मतलब विक्टर इमानुएल सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि अपनी टैक्ट, मतलब पोलाइटनेस या विनम्रता के थ्रू, एंड डिप्लोमेसी यानी कि राजनीतिक व्यवहार में एक्सपर्ट होने के कारण यह फ्रांस के साथ में एक डील करके ऑस्ट्रिया को 1859 में ये लोग डिफीट कर देते हैं और ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को इटली में मर्ज कर लिया जाता है। और इसी डिप्लोमेसी और क्लेवरनेस की वजह से काउंट केवल दे केवर को इटली का ब्रेन कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर्सनलिटीज की तरफ जिन्होंने इटली को यूनाइट करने में काफ़ी हेल्प किया है, वो है जसिमी गैरिबाल्डी। ये मर्चेंट नेवी में नाविक थे और 1833 में जब गैरिबाल्डी मजीनी से मिलते हैं तो उनसे इंस्पायर होकर ये यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसी मूवमेंट से इंस्पायर होकर वो 1834 के अंदर पिडमोंट के अंदर रिवोल्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर गैरिबाल्डी का बैड लक होता है जो इनके मूवमेंट को सप्रेस करते जाता है और इनको साउथ अमेरिका भागना पड़ता है जहाँ पर ये 1848 तक रहते हैं, और 1854 में फाइनली ये प्रिंसली स्टेट के किंग विक्टर इमानुएल सेकंड को इटली को यूनाइट करने में हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी सपोर्ट के लिए 1860 में सदर्न इटली में वहाँ के लोकल लोगों को लेकर गैरिबाल्डी एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं जिसमें उन लोगों की क्वांटिटी 30,000 तक हो जाती है, और इस जो ये कैंपेन जो लोकल ग्रुप है वो पॉपुलर होता है रेड शर्ट के नाम से। इस ग्रुप को रेड शर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि गैरिबाल्डी मोस्टली रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए उनके फॉलोवर्स ने भी रेड शर्ट पहनना स्टार्ट किया और इन्हीं लोगों का ग्रुप रेड शर्ट कहलाया। फाइनली 1861 में इटली के यूनिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो जाता है और विक्टर इमानुएल सेकंड को यहाँ का किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। गैरिबाल्डी को उसकी ब्रेवरी के लिए सॉर्ट ऑफ इटली कहा जाता है, और यूनिफिकेशन का जो वर्क जर्मनी के लिए बिस्मार्क ने किया वही काम इटली में गैरिबाल्डी ने किया, इसी वजह से गैरिबाल्डी को इटली का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।